वाला बताओ। अच्छा था, ठंडा होता था, अच्छा जैसा लगता। हाँ, गुनगुना टाइप का वाला था। क्या हो रहा ये मेरे को पीओ बोल रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ है, क्या है? उसके द्वारा ये समझाया जा रहा है लोगों को कि थैलान कल्यो नहीं आए हैं। मम्मी मम्मी आ रही पति पहुंचाने, मम्मी ने हमें ठग दिया। अरे मिस्त्री जी का पोपट हो गया, उनकी छजुमा आई ही नहीं। क्या हुआ? मम्मी को ना कुछ अलग सी खुशबू की महक आ रही, अब पता नहीं क्या क्या सुन रहे। गोल्डी जो नहीं सुनता है ऐसे, पता नहीं किसकी आ रही, अजीब टाइप है। सुनो सुनो यही भी होना, ये थैले में और उसे भी सूंघ लो। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा ना, हम लोगों को कोतवाली ऐसे जाना पड़ रहा है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है हिना कार्तिक फसवान और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिन व्लॉग्स उत्तराखंडी पे। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और कपकोट से, और काफी टाइम बाद ना हम देवरानी जेठानी ना साथ में ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर की ओर, और बागेश्वर क्यों जा रहे हैं उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो बागेश्वर घूमने का मौका मिला है आज हमें नीलू की वजह से, क्योंकि नीलू का ना नो पार्किंग में ना चलान कट गया था, तो हम लोग ना उसी चलान को भरने के लिए जा रहे हैं बागेश्वर की कोतवाली पे। बाकी मौसम की बात की जाए ना तो कपकोट में तो अभी ना मस्त सी धूप भी आई हुई है, और इसकी वजह से आजकल ना नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है और नदी का कलर भी ना मटमैला टाइप में आ रहा है। फिलहाल कल तो उतनी बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से नदी का कलर थोड़ा बहुत फीका हो रखा है। हम लोग बागेश्वर ना दोनों गाड़ियां लेके जा रहे हैं, नीलू को भी और एक्सयूवी को भी। नीलू ना काफी टाइम से कपकोट पे यहीं पर खड़ी थी, ये ज्यादातर चलती नहीं है, तो ये भी ना थोड़ा बहुत घूम के आ जाएगी। बाकी हमारा ना एक्सयूवी का कुछ काम भी है, तो इसलिए हम लोग दोनों गाड़ियां लेके जा रहे हैं। और मेन रीजन ये है ना, एक्सयूवी में ना वॉमिटिंग भी होती है, और देवरानी जी को ना इस टाइम पर कुछ ज्यादा ही होती है ना। क्यों होती है? ऐसी है वो गाड़ी, जब से लाए तब से वॉमिटिंग ही होती है। तो चलते हैं बागेश्वर को, और हमारा काम ना अगर फटाफट से हो जाएगा तो हम लोग ना मार्केट भी घूम लेंगे। रानी जी और देवर जी जा रहे हैं पहले दुकान पे, वहाँ पे से ना चलान का कागज लेके आएंगे, फिर हम लोग चलेंगे बागेश्वर की ओर। और बिक्की भैया ना यहीं से अपने घर को वापस जा रहे हैं, तो आज हम लोग ना घर से उनके लिए मट्ठा वगैरह लेके आए थे, तो मट्ठा वगैरह ना बिक्की भैया ले जाएंगे घर को। बिक्की भैया को हमने मट्ठा भी दे दिया है, और साथ में ना इसमें हम लोग भैया के कपड़े लेके आए थे। कल्यो है ये आपका? फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा ना, हम लोगों को कोतवाली ऐसे जाना पड़ रहा है चलान देने के लिए। और आप लोग भी कमेंट करेंगे कि आप लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, नो पार्किंग में गाड़ी लगाओगे जब तो चलान तो कटेगा ही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, उस दिन हमारी गलती भी नहीं थी, बस हमें मार्केट से ना एक केक उठाना था, और उतने में हमें ना वहाँ पर कार लगानी पड़ी क्योंकि भरारी मार्केट में ना पार्किंग है ही नहीं। आप लोगों ने मेरी वीडियो में काफ़ी टाइम देखा होगा, हम लोग पार्किंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और ये प्रॉब्लम ना सिर्फ हमारे साथ नहीं होती है, हमारे जैसे काफ़ी लोगों के साथ होती है जिसका ना मार्केट में कुछ काम होता है, बस 2 मिनट के काम में ना चलान कट गया था, तो उसी दिन कटा और उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे ना चलान जमा करने जा रहे हैं, तो देखते हैं वहां जाके क्या होता है, और थोड़ा बहुत ना नर्वस भी हैं क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है ना। बहुत टाइम बाद ऐसा भी हो रहा है कि हमारी दोनों गाड़ियां ना साथ में चल रही हो। पहुंच चुके हैं बागेश्वर कोतवाली पे, और अब चलते हैं अंदर, और अंदर ना फटाफट से चलान भर के आते हैं। और शायद अंदर ना कैमरा अलाव होगा नहीं, तो मैं अंदर तो वीडियो बनाऊंगी नहीं, बाहर आके ही बताऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या हुआ करके। ये रहा चलान का कागज, तो आज हमने यहाँ पे चलान भी भर दिया है, और जिस काम के लिए हम लोग बागेश्वर आए थे ना वो काम भी हो गया है, तो शायद अब हम लोग ना मार्केट की ओर जाएंगे, जो भी होगा देखते हैं अभी। और यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, हालत ख़राब हो गई गर्मी से। लो 500 का चलान। मार्केट का सारा काम हमारा हो गया था, और अभी हम लोग आ रखे हैं चंडिका मंदिर पे, तो यहाँ पर ना माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। और मार्केट में ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हमने सोचा कुछ टाइम ना छाव पे चलते हैं, और यहाँ से अच्छी छाव ना हमें कहीं नहीं मिल सकती, जो प्राकृतिक वाली छाव होती ना पेड़ पौधों की। और यहाँ से ना बागेश्वर के नज़ारे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मन
मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और यहाँ आके ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना मस्त सी ठंडी ठंडी हवा चल रही क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पे ना ये मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ना इसमें ना हमारी कुमाऊनी वेशभूषा दिखाई गई है। हमारे कुमाऊँ में जैसे महिलाएँ घाघरा पहनती है, पिछौरा पहनती है, नथ वगैरह, गुलोबंद वगैरह, जो भी हमारा वेशभूषा है यानी कि कुमाऊनी परिधान, तो वो पहना गया है। और साथ में ना इस इनके हाथों में ना पौधे टाइप में है यानी कि हरियाली हरियावत्यार, या तो ये हरियावत्यार को प्रतीक करते हैं लगता है ना। जिन्होंने भी ये पेंटिंग बनाई है ना उसके द्वारा ये समझाया जा रहा है, लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमें ना पर्यावरण को बचाना है। यहाँ से ना बागेश्वर के नज़ारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ से पूरा बागेश्वर दिख जाता है और सामने रहा बागनाथ मंदिर और उसी के पास में है सरयू नदी और वहाँ से आ रही है गोमती नदी, तो इनका संगम ना ठीक बागनाथ के पास में ही होता है और इससे ये नदी ना अब आगे को जाती हैं। जो बागेश्वर से बाहर के मेरे YouTube फैमिली के मेंबर्स हैं ना उनको मैं बता दूं, जो यहाँ से सामने नीचे ग्राउंड दिख रहा है ना यहाँ पर लगता है उत्तरायणी का कौतिक और वो लगता है घुघुतिया त्यौहार के टाइम पर यानी कि जनवरी के महीने में, जो साल भर में ना सिर्फ एक ही बार लगता है। तो यहाँ फील्ड में तो लगती ही लगती हैं दुकानें, सामने वहाँ पर ना उस टाइम पर पानी का जो भाव होता है, नदी होती है ना, वो कम हो जाती है, तो वहाँ पर बगर में भी ना दुकानें लगी रहती हैं। लोगों ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, सभी लोग बैठे हुए थे और अभी हम लोग निकलने लग गए हैं अब यहाँ से। तो हम लोग अभी आ गए हैं मार्केट पे और मिस्टर जी लोग ने अभी कार को पार्किंग में डालने के लगे हैं। उसके बाद हम लोग खाएंगे कुछ खाना क्योंकि ना सभी लोगों को भूख लग चुके है। क्या खा रहे बताने वाला नहीं है अभी, तो अभी ना कुछ भी कंफर्म नहीं है क्योंकि मिस्टर जी लोग आएंगे, फिर उसके बाद ना हम लोग कंफर्म करेंगे कि क्या खाना करके, जो एक खाएगा ना वो सभी लोग खाते हैं। भैया का बहुत मन था आज मोमोज खाने का, तो हमने ना मोमोज ही ऑर्डर कर ले हैं और अब हम सभी लोग ना यहाँ पर मोमोज खा रहे हैं। हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पर जूस कॉर्नर पर और यहाँ से हम लोग पी रहे हैं नारियल पानी और दोनों का ना फर्स्ट टाइम है आज। तो यहाँ पर ना हमारे यूट्यूब फैमिली के मेम्बर्स भी मिल गए। कहाँ से हो तुम? अशोक से। अच्छा, क्या हो रहा पता ये मेरे को पियो बोल रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। क्या है? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। फर्स्ट टाइम ना हम दोनों नारियल पानी पी रहे हैं और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब जैसे ना वो कच्चा नारियल नहीं आता उसका पानी होता है वैसे ही है लगभग टेस्ट, तो पर फर्स्ट टाइम ऐसे पी रहे। फर्स्ट टाइम ना आज नारियल पानी पिया है और अब देवरानी जी से पूछते हैं कैसा था टेस्ट। कैसा था? अच्छा था। सच्ची वाला बताओ। अच्छा था, ठंडा होता था, अच्छा जैसा लगता था। हाँ, गुनगुना टाइप का वाला था। हम लोगों ने सोचा ठंडा ही होता होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम पिया ना, अब अगली बार से पता चल गया गर्म होता है करके, तो अगली बार से ना हम लोग जब गर्मी होगी ना तब हम लोग ठंडा वाला पानी पिएंगे। तो अभी ना यहाँ के सारे काम भी हो चुके हैं और हमारा घूमना भी हो गया है, तो अब निकलते हैं यहाँ से सीधे कपकोट के लिए। हम लोग मार्केट से आगे निकल चुके हैं, बाकी देवरानी जी लोग भी वहाँ से चले गए थे और उस टाइम ना मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि हमें ना घर जाने की जल्दबाजी हो रखी है और मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया है और हमारे गांव साइड तो ना बारिश भी होगी शायद। बाकी आज ना मेरे मायके से ना मेरी मम्मी ना मेरे कुछ स्पेशल सा भेजने वाली है, वो है पत्यूड़, तो मम्मी ना वो खुद पहुँचाने आ रहे थे और उसके बाद ना हमने कॉल कर लिया, कल संडे है तो सब लोग वहीं आ जाओ करके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ना मम्मी लोग भी मेरे ससुराल नहीं आ रखे हैं और मैं भी ना काफ़ी टाइम से चंदू से नहीं मिल रही हूँ, तो मैंने ना मेरे सिस्टर को भी लेके आने को बोला है, तो मम्मी बोलती हम लोग आ रहे करके। अब मम्मी झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं वो तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्योंकि मिस्टर जी जिद कर रहे थे तीनों आओ करके और मम्मी बोल रही थी कहाँ बारिश में गंदा होता करके, फिर इन्होंने और जिद की तो मम्मी बोल रही थी ठीक है हम लोग आ रहे हैं करके। तो अभी हम लोग रीठा बगड़ पे ना मम्मी का वेट करेंगे, तो देखते हैं मम्मी खाली पत्यूर पहुँचाने आ रही है या सच में मेरे ससुराल आ रहे करके, वो तो अभी जब मम्मी आएंगे ना तभी पता चलेगा। हल्की हल्की बारिश तो यहीं से मिल गई है, बाकी ऊपर साइड तो ना मौसम और भी ज्यादा खराब होने लग गया है। जिनका हम लोग वेट कर रहे थे वो लोग आ चुके हैं, तो मामा की कार तो आ गई है और उसमें ना मेरी पूरी फैमिली आ रही है, नहीं आ रही है वो मुझे नहीं पता, नहीं आए हैं। मम्मी आ रही पति पहुंचाने, मम्मी ने हमें ठग दिया। मिस्टर जी का पोपट हो गया, मैंने बोल दिया था ना मम्मी आ रही होगी। मम्मी आ चुकी है यहाँ पे थैला लेके, क्यों थैला ना कल्यो
तो मम्मी ना कलियो पहुंचाने के लिए पूरे आधे रास्ते तक आई है, और कलियो है पत्यूर, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, और वो बनते हैं अरबी के पत्तों के। वाइट नहीं है दियो नो ललो नहीं है बोली खुल जा रहा है मशीन हुआ हुआ लग रहे हो बस जो लग रहा है। लोग भी ना अब यहाँ से वापस जाने लग गए हैं, और हम लोग भी चलते हैं घर को, क्योंकि मौसम ना काफी ज्यादा खराब होने लग गया वहाँ। जिल दियो लग रहा है मम्मी के, पता है मम्मी बोल रही है वहाँ काफी ज्यादा बारिश लगी थी, तो मैंने सोचा यहाँ भी लगी होगी और रोड बंद हो जाएगी, फिर कल हम कैसे जाएंगे करके तब नहीं लेके आई। आपका वालिब है अब दूसरे संडे को तेरे को बुलाने आऊंगी। ठीक है मम्मी बोल रही है अगले संडे को मुझे बुलाने आएंगे, क्योंकि मैं ना घी त्योहार के लिए मायके जाऊंगी। ठीक चुप है लोग तो ना यहीं से वापस चले गए हैं, और हम भी ना अब घर को निकलने लग गए हैं। बाकी ना मम्मी स्पेशली हमारे लिए ना पत्यूर पहुंचाने आई थी, जो अरबी के पत्तों का बनता है। मैंने आप लोगों को काफी टाइम बताया है, और शायद ना उसे पात्रा भी बोला जाता है। तो स्पेशली डिमांड ना घर से सासू माँ की थी। हमने भी ट्राई किया था एक बार बहुत पहले, लेकिन ना हमसे उतने ज्यादा अच्छे नहीं बने। और एक बार ना मेरी मम्मी ने बना के भेजे थे, तो मम्मी को ना काफी ज्यादा पसंद आए थे, और देवरानी जी को भी ना काफी ज्यादा पसंद आए थे। लेकिन आज ना इससे आगे कुछ जाना नहीं हुआ, तो के लिए ना मम्मी नहीं भेज पाई। तो मम्मी बोल रही भूमि तो आजकल मार्केट में ही है, मैं कल परसों ना गाड़ी वालों के हाथों से उनके लिए भेज दूंगी, बाकी आज तुम लेके चलो। तो आज हम लोग ले जा रहे हैं पत्यूर, शाम की सब्जी का आज मेरे को टेंशन नहीं है, आज बनेगा पत्यूर। और घर जाके ना मम्मी होने वाली है सबसे ज्यादा खुश पत्यूर देख के, है ना। और मैं मिस्त्री जी का पोपट हो गया, उनकी छाछुमा आई ही नहीं। क्या हुआ? मैंने सोचा था यार बहुत दिन हो गए आई नहीं है, तो मैंने कहा साथ में हो गया आ जाएंगे, बट कोई नहीं मौसम के हिसाब से अब जाएंगे, हम ही जाएंगे बाद में। कब जाएंगे? जाएंगे इसी मंथ संडे को हाँ देखेंगे। तो बस मैं आप लोगों को ना एक झलक अपने गांव की रोड भी दिखा देती हूँ, आजकल हमारे गांव की रोड कैसी हुई है करके। यहाँ पे तो ना पिछले साल ही आधी रोड गायब हो गई थी, और इस साल भी दोबारा बरसात आ गई है, फिर भी यहाँ पे रोड ना सेम ही है। तो ये देखो ये। तो हम लोग तो ना कभी कभार आते हैं, लेकिन जो डेली चलते हैं ना, यानी कि टैक्सी वाले भैया लोग, उनके लिए ना काफी ज्यादा रिस्की है। हमारे गांव के रोड में ना जो सबसे ज्यादा मेन खतरा हो रखा ना आजकल, वो इसी वाले लाइन पर रखा है। यहाँ पे ना ऊपर से पहाड़ी टूट रही है, और सारा मलवार पत्थर ना रोड में आ जा रहा है, तो इसमें ना पता भी नहीं चल रहा कि कब पत्थर आ रहा है करके। तो यही डर है कि किसी गाड़ी वाले के ऊपर ना गिरे, किसी इंसान के ऊपर ना गिरे। तो हम तो ना यही प्रे करते हैं, और आप लोग भी ना यही प्रे कीजिएगा। हम लोग घर पर पहुंच गए हैं, बाकी मम्मी भी ना अभी दुकान पे है। और मौसम की बात की जाए तो यहाँ भी ना बारिश स्टार्ट हो गई है, और मम्मी को ना कुछ अलग सी खुशबू की महक आ रही। अब पता नहीं क्या क्या सूंघ रहा, गोल्डी जो नहीं सूंघता ऐसे, पता नहीं किसकी आ रही, अजीब टाइप है। सूंघो यही भी होना, ये थैले में, और उसे भी सूंघ लो। पति ओढ़ की जैसी खुशबू आ रही है, कहाँ से? आम से कहीं होगा पति ओढ़ होगा, थैले में यही कहीं आस पास छुपा रखे होंगे। ये के दिल खानी दी बेबी हो, हमदानी को बहुत 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 थैंक यू कहना चाहती हूँ कि पति उठ भेज रखे हैं। दिल खुश हो गया मम्मी का, और डिमांड भी मम्मी की थी ज्यादातर ना। हाँ मेरे कहने से नहीं होते हैं ना, नहीं तो बता यही बना दी पतियाँ तो ठहरे यहाँ भी, बेशम भी ठहरा, सब हुआ, सब हुआ, शीव नहीं हुआ, शीव बेकार हो जाते हैं। सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, और आज की इस वीडियो को ना अब इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी होगी, और इससे आगे ना मैं फिर से ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, और एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग करूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को ना दिखाना चाहती हूँ आखिर पत्यूर होते कैसे हैं। पत्यूर तो मैंने बोल दिया, लेकिन वो दिखने में बनने के बाद कैसे होते हैं वो दिखाऊंगी, और उसे ना फ्राई करने में क्या क्या यूज होता है करके। तो आप लोग ना अगली वीडियो का वेट भी कीजिएगा, फिलहाल इस वीडियो का इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। महीनों मिलती हूँ आपको जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपना ख्याल रखें। बाय 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 बाय।